आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पीरियड की बुक में भी है, ठीक है? तो वहाँ भी आप रेफर कर सकते हैं। इस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो रूम टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ओके, और EF EI सभी वाले, ये कंडक्शन बैंड है, ये इंट्रिंसिक है, ये EF है, ये EB है। EI और EF के बीच का डिफरेंस है वो 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? और ये मेटल का फर्मी लेवल है ECM। और क्वेश्चन पूछा है स्केच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं, होल कंसंट्रेशन वर्सेस पोजीशन, होल कंसंट्रेशन बल्क, होल कंसंट्रेशन सरफेस, सरफेस पोटेंशियल, गेट वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑक्साइड, ये सब चीजें पूछी हुई हैं। तो ये कौन सा मटेरियल है बल्क में? पी टाइप, ऑब्वियस है, क्योंकि EF EI EB के पास में है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ, दोबारा से वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे साफ दिख रहा है, इसलिए ये अलग से ड्रॉ किया। एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया, डिप्लीशन रीजन इसको मान लिया है, ठीक है? और स्केच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करते हैं? ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ? एक बार आप लोग पॉज करके सोच सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा तरीका है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ईसी। तो ईसी कैसा है? ऐसा। तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? ऐसा, दैट्स ऑल। तो पोटेंशियल ऐसा ड्रॉ हो गया, सिंपल। और सरफेस पे पोटेंशियल नीचे इन्फिनिटी जाते जाते कितना हो जाएगा, ये धीमे धीमे आगे क्वेश्चन भी है, इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन इनसाइड द ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। तो जो मैंने बताया था, डाइवर्जेंस जो लॉ होता है मैक्सवेल से आता है, डी वन इजकल टू डी टू, के एप्सिलॉन ऑक्साइड ई ऑक्साइड इजकल टू एप्सिलॉन सेमीकंडक्टर ई सेमीकंडक्टर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो भी फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही फील्ड, लेकिन ये कांस्टेंट आएगा, जो कि हम लोग कम कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, वी अज्यूम दैट देयर इज नो चार्ज इन द ऑक्साइड एंड नो चार्ज इन द ऑक्साइड सिलिकॉन इंटरफेस, क्योंकि फर्मी लेवल कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। डू इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई इन साइड द सेमी कंडक्टर? यस। क्यों? क्योंकि मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों का फर्मी लेवल कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाते तो ये ऊपर होता, आइदर नीचे होता। अगर पॉजिटिव लगाते तो नीचे होता, अगर नेगेटिव लगाते तो ऊपर होता, तो ये डिफरेंस होता। बट ये अलाइन किया हुआ है, आप कुछ देख सकते हैं क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ। तो यस, द एमओएस स्ट्रक्चर एट इक्विलिब्रियम रफली स्केच द होल कंसेंट्रेशन वर्सेस पोजिशन इन साइड द सेमीकंडक्टर। तो कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि ये मटेरियल ऐसे 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 जा रहा है और ये पी टाइप था, और सरफेस पे ये कैसा हो रहा है? एन टाइप समवॉट, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड नीचे आ रहा है, क्वेश्चन से देख सकते हो आप लोग। तो जब ये नीचे आ रहा है तो होल कंसंट्रेशन भी कैसे होगा? यहाँ कम होगा, और इन्फिनिटी तक जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा थिक है मटेरियल, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, उसके बाद धीमे 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 सरफेस के पास में आते आते कम होता है, ठीक है? इस तरीके से ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर। ओके, एक सेकंड रुक के, अभी यहाँ पे ग्राफ होगा, ये हाँ ये ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि एन इजकल पी इजकल टू एन आई ई पावर ई आई माइनस ई एफ बाई के टी होता है। तो ई आई ई एफ का डिफरेंस जैसे मूव कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से कंसंट्रेशन वेरी करता है। व्हाट इज द होल कंसंट्रेशन इन द बल्क? पी इजकल टू एन आई कितना होता है? 10 टू पावर 10। बल्क में ई माइनस ई एफ कितना है? 0.51, 0.51 ही तो है, अपॉन 0.026। ये कैलकुलेट करोगे, पी बल्क कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 18, ओके।
सरफेस पे करोगे तो पी इजकल टू एन आई टेन टू पावर टेन ई माइनस ई आई। सरफेस पे क्या है, ये ई एफ है और ई आई यहीं आ गया, ऐसे ही ई आई वेरी कर रहा है तो ई आई यहीं आ गया, तो ई आई इजकल टू ई एफ एट सरफेस, तो ई पावर जीरो टेन टू पावर टेन हो जाएगा, दैट इज राइट। व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल कितना है, सरफेस पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ई आई सरफेस माइनस ई आई, ई आई बल, या दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो कितना है 0.51 वोल्ट, 0.51 वोल्ट या 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, व्हाट इज द गेट वोल्टेज, सिमिलरली हम लोग क्या कैसे बता सकते हैं गेट वोल्टेज कितना है, क्योंकि मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों अलग हैं, तो गेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर गेट वोल्टेज अगर पॉजिटिव, यहाँ पे अगर आप गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाते तो ये मेटल का फर्मी लेवल नीचे जाता, अगर नेगेटिव लगाते तो ये मेटल का फर्मी लेवल ऊपर जाता, तो ये लिखा होता है फर्मी लेवल इन द मेटल अलायंस विद फर्मी लेवल इन द सेमी कंडक्टर। ओके, सो द गेट वोल्टेज मस्ट बी जीरो, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया कराया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट पुट करके व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑक्साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एंड सेमेस्टर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे मॉसफेट की तरफ, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉस का यूज करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो एज यू नो केमिस्ट को मॉसफेट कहते हैं, हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।